हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज है छठ पूजा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि छठ पूजा में लगभग होता क्या है। तो लगभग छठ पूजा जो है वो सूरज भगवान को पूजा किया जाता है। मतलब छठ पूजा दो दिन होता है, शाम में एक दिन होता है जब सूरज भगवान डूब जाते हैं तब, और फिर अगले दिन जब सूरज भगवान उगते हैं सुबह सुबह 4-5 बजे तब छठ पूजा किया जाता है। तो आज छठ पूजा है और छठ पूजा में नदी में किया जाता है। मतलब घर से सब लोग अपना डाला उठाकर नदी जाता है। डाला मतलब जिसमें प्रसाद होता है, जिससे पूजा किया जाता है, उसको डाला बोलते हैं। तो डाला उठा के सब नदी जाता है और नदी में पूजा होता है। तो जहाँ पे नदी नहीं होता है वहाँ लोग तालाब में पूजा करता है। जहाँ तालाब भी नहीं होता है, मिट्टी का अगर घर है तो मिट्टी को गड्ढा खोद के वहाँ पानी डाल के वहाँ पे पूजा होता है। अगर वो भी नहीं है, पूरा सीमेंटेड घर है जैसे शहरों में होता है, तो वहाँ क्या होता है कि बड़ा बड़ा बर्तन में पानी रख के छत पर ही पूजा कर लिया जाता है। तो उसी तरह आज छठ पूजा है, तो मैं भी जाऊँगा छठ पूजा और आपको दिखाऊँगा नदी में यहाँ पर कि कैसे घाट बना हुआ है। मतलब कि जहाँ पर डाला रखा जाता है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है और सब लोग एकदम अच्छे से पूजा होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ घाट बना हुआ है नदी में। यहाँ पे नदी है, तालाब भी है, लेकिन यहाँ नदी में पूजा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है नदी जाने का रास्ता, घाट का रास्ता, और यहाँ पे थोड़ा सा सजा रहा है सरकारी लोग। अभी पूरा खाली है लेकिन शाम में बहुत भीड़ हो जाएगा यहाँ। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे पीछे नदी है और मेरे सामने में तालाब है, दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, वो यहाँ पे नदी है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नदी है, यहाँ पर छठ पूजा होता है, घाट बना हुआ है, यहाँ पर नदी, और यहाँ पे देखिए ये है तालाब। हम लोग के घर के पास 3-4 तालाब है। इस तरफ तालाब है और इस तरफ नदी है, और यहाँ पे नदी पे ही छठ पूजा होता है। पूरा देखिए सब जगह घाट बना हुआ है और वो टेंट बना हुआ है, वो सरकारी का है। सरकारी के लिए यहाँ पे मतलब दूध मिलता है, कुछ मेडिकल, अगर किसी को चोट लग गया पटाखा में तो यहाँ पे मेडिकल दिया जाता है। वहाँ पर भी टेंट लगा हुआ है, वो भी सरकारी का है। मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों का घाट जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नज़दीक से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एकदम नदी के पास में। ये देखिए ये पूरा नदी एकदम सजा हुआ है, सब लोग एकदम साफ़ सुथरा रखता है। यहाँ पे छठ पूजा का डाला रखा जाता है, और ये देखिए ये यही सब है, यही सब है, ये सब घाट बना हुआ है। ऐसे साइज़ का घाट सब लोग बना के रखता है, सब लोग अपना अपना बना के रखता है, और कोई कोई नहीं बनाता है। तो जिसका बड़ा घाट बना हुआ रहता है वो आके उसमें रख लेता है अपना जो डाला होता है जिसको पूजा किया जाता है। और ये नदी है, यहाँ पर जो पूजा होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखा भी फूटता है। दिवाली के समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बहुत बिजी था पटाखा फोड़ने में, इसलिए नहीं बना पाया। मैं आपको ये घाट दिखाता हूँ जो कितना अच्छा से सजाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक घाट है जो बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, केला का पत्ता भी लगाया है, और ऊपर में चमकने वाला प्लास्टिक जो होता है वो भी लगाया है बाँस के साथ में। हम लोग पिछला साल लगाए थे फूल का, ऐसे टेंट लगा के फूल का लगाए थे। तो इस बार पता नहीं हम लोगों का घाट कौन सा है, हर बार वो वाला घाट रहता है वहाँ पे जो है उस तरफ, ये बड़ा वाला जो घाट दिख रहा है उस तरफ नदी के उस तरफ, ये वाला घाट हम लोग का हमेशा रहता है। और पिछले साल यहाँ पे फूल से सजाया गया था। तो हेलो दोस्तों, मैं नहा के तैयार हो गया एकदम अच्छा से। देखिए मेरा कपड़ा, तो मैं ये कपड़ा पहन लिया हूँ। अभी वहाँ चलते हैं जहाँ पे पूजा हो रहा है, और वहाँ पर फिर अब डाला उठाएंगे। तो आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीकर बज रहा है।
तो मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं। कम रख दे कहीं।